हेलो एवरीवन तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में तो आर्टिकल 264 से हम स्टार्ट करते हैं इसमें चैप्टर वन है फाइनेंस जिसमें जर्नल में इंटरप्रिटेशन तो इस पार्ट में जो फाइनेंस कमीशन है उसका मतलब एक फाइनेंस कमीशन होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर आर्टिकल टू देन आर्टिकल 265 में है टैक्स नॉट टू बी इंपोस्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब कोई भी टैक्स जो है वो लिवे किया नहीं किया जाएगा कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी कि जब तक लॉ से अथॉरिटी नहीं मिले तब तक कोई टैक्स लेवे या टैक् कलेक्ट नहीं किया जाएगा फिर आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स तो जो भी जो आर्टिकल 267 में दिए गए हैं उन प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए और जो प्रोविजन्स इस चैप्टर में दिए गए हैं उनको भी जो कि असाइनमेंट के ऊपर हैं पूरे या फिर कुछ पार्ट का ने, नेट प्रोसीड्स ऑफ जो टैक्सेस और ड्यूटीज हैं स्टेट्स के लिए उनको जो है सब्जेक्ट करते हुए जितने भी रिवेन्यू रिसीव किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी लोन रेस किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स लोन्स और वेस या और जो मीन्स एडवासेस हैं और जितनी भी मनी रिसीव की जाएगी उसके रिपेमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा उन लोन्स के लिए तो वो सब जो है एक कंसोलिडेटेड फंड बनाएगा जिसको हम लोग एंटाइटल करेंगे द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से ओके फिर सिमिलरली uh, जब बात हम लोग स्टेट की कर रहे हैं तो जितना भी रिवेन्यू जो है रिसीव किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा जितने भी लोन रेस किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा बाय इशू ऑफ द ट्रेजरी बिल्स लोन्स और वेस और जो मीन्स हैं मीन्स एडवांसेस हैं और जितनी भी मनी रिसीव की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा रिपेमेंट में लोन्स के वो सब भी एक कंसोलिडेटेड फंड बनाएंगे जिसको एंटाइटल किया जाएगा द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के नाम से फिर Uh, जितने भी अदर पब्लिक मनीज़ हैं uh, जो कि रिसीव की जाएंगी या डायरेक्टली uh, या फिर उनके बिहाफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के तो वो जो है क्रेडिट होगी पब्लिक अकाउंट में इंडिया के या पब्लिक अकाउंट में स्टेट के जैसा कि के भी केस होगा फिर uh, कोई भी मनी जो है कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया कॉन्सोल्ट फंड ऑफ स्टेट से uh, नहीं ली जाएगी जो मतलब कि अप्रोप्रिएट नहीं की जाएगी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ और ऐसे पर्पस और ऐसे मैनर में जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया जाए फिर आर्टिकल 267 में कंटिनजेंसी फंड तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाकर कर इस्टेब्लिश कर सकता है कंटिजेंसी फ़ंड uh, uh, जो ऐसे uh, मतलब कि इन द नेचर ऑफ एन इम्प्रेस्ड जिसको एंटाइटिल किया जाएगा द कंटिनजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया जिसमें जो कि पे किया जाएगा टाइम टू टाइम ऐसे सम्स जो कि डिटरमाइन किए जाएंगे लॉ के, के द्वारा और ऐसे जो फंड्स होंगे उन्हें प्लेस किया जाएगा डिस्पो कहते हैं एट डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ताकि वो इनेबल कर सके एडवांसेस जिसमें जो कि उनके द्वारा किए जाए मतलब कि जो कि उनके द्वारा बनाए जाएंगे जो उस फंड के द्वारा मतलब उस फंड से और ऐसे परपस के लिए क्या कहते हैं ताकि जो अनफोर्सिंग जो एक्सपेंडिचर होगा जिनके बारे में हम पहले से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं या पेंडिंग अथोरइजेशन है आ, 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 जो एक्सपेंडिचर का उसके बारे में पार्लियामेंट जो कि लॉ बनाकर आर्टिकल L 115 वन हंड्रेड फिफ्टीन से वन हंड्रेड सिक्सटी और वन हंड्रेड के अंदर उन्होंने बताया है उन एक्सपेंडिचर के बारे में उन पर्पसेस के लिए आ, जो है वो कंटिजेंसी फंड बनाया जाएगा फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी जो है लॉ बनाकर एस्टेब्लिश इस्टेब्लिश कर सकते हैं कंसल्टेट फंड ऐसे आ, जो कि नेचर में आ, क्या कहते हैं इम्प्रेस्ड होगा जो कि जिसको हम द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट के नाम से जानेंगे इसमें भी जो है टाइम टू टाइम ऐसे सम्स जो कि डिटामाइन किए जाएंगे लॉ के द्वारा वो पे किए जाएंगे और जो फ़ंड है उसको प्लेस किया जाएगा डिस्पोजल में गवर्नर के सामने गवर्नर ऑफ़ स्टेट के सामने ताकि वो इनेबल कर सके एडवांसेस जिसको बनाना है उनके द्वारा उस फंड से फॉर पर्पज़ ऑफ मीटिंग अनफॉरसिन एक्सपेंडिचर और जो पेंडिंग अथोरइजेशन है जो कि आर्टिकल 205 और 206 में लेजिस् मतलब कि दिया हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि लेगिस्चर ऑफ़ स्टेट डिटामाइन करेंगे उस एक्सपेंडिचर को बताएंगे फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यूज़ बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स तो आर्टिकल 268 में है ड्यूटीज़ लिविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स तो ऐसे स्टाम्प ड्यूटीज़ जैसे कि मैंशन हुए हैं यूनियन लिस्ट में वो लिवे किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पर कलेक्ट किए जाएंगे अगर केस है जहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं एक यूनियन टेरिटरी में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और बाकी केसेस में जहाँ पे स्टेट्स के द्वारा किया जाएगा जिसमें ऐसी ड्यूटीज़ जो हैं वो अवेलेबल की जाएंगी मतलब कि जब बात यूनियन टेरिटरी की आएगी तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो जो टैक्स है या ड्यूटी है वो कलेक्ट की जाएगी स्टाम्प ड्यूटी पे और अगर बात स्टेट की है तो स्टेट के द्वारा फिर जो प्रोसीड्स हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी ऐसे ड्यूटी की लेवल जो कि लिव की गई है एक स्टेट में वो फॉर्म नहीं करेगी कॉन्स्टेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट पर वो जो है वो असाइन की जाएगी स्टेट को फिर जो वर्ड है एंड सच ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिकनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ये जो है वो वन हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन जिसका इफेक्टीन नाइन टू थाउजेंड सिक्सटीन से था उसके थ्रू एमेंड की गई थी देन आर्टिकल टू सिक्सटी एट ए जिसमें था सर्विस टैक्स लिविड बाई यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाई द यूनियन एंड द स्टेट्स इसको अमिट कर दिया गया दो हज़ार सोलह में uh, सेम अमेंडमेंट एक्ट वन हंड्रेड फर्स्ट जिसका इफेक्ट सिक्सटीन नाइन टू थाउजेंड सिक्सटीन से था uh, उसके द्वारा फिर आर्टिकल 269 में है टैक्सेस लिविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स तो जो टैक्सेस हैं सेल और परचेज में गुड्स और टैक्स और जो टैक्सेस हैं कंसाइनमेंट में गुड्स के एक्सेप्ट जो कि प्रोवाइड हो आर्टिकल 269 ए के अंदर वो लिवि किए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पर वो असाइन किए जो हैं किए जाएंगे और जो आ, उन्हें असाइन करने के उनको डीम किया जाएगा स्टेट्स के ऊपर आफ्टर या ऑन मतलब कि Uh, जो फर्स्ट अप्रैल 1996 है फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1996 से लेकर मतलब कि uh, उस दिन से लेकर उसके आगे के टाइम पे ऐसे मैनर में जैसा कि क्लास रूम में प्रोवाइड किया गया है देन uh, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि फॉर दिस फॉर द पर्पस ऑफ़ दिस क्लास जो एक्सप्रेशन है टैक्सेस ऑन द सेल्स एंड और परचेज ऑफ गुड्स उसका मतलब होगा टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर दैन न्यूज़पेपर जहाँ पे ऐसे सेल और परचेज जो है वो एक इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ट्रा, के ट्रांजेक्शन में कोर्स में आते हैं टेक प्लेस करें फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन है टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स उसका मतलब होगा टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वेदर जो कंसाइनमेंट है वो एक पर्सन के ऊपर है जो उसे बना रहा है या किसी अदर पर्सन के ऊपर है जहाँ पर ऐसा जो कंसाइनमेंट है वो टेक प्लेस कर रहा है Uh, किसी भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के कोर्स में देन जो क्लास uh, टू की बात कर रहे थे हम लोग की कैसे मैनर में तो जो नेट प्रोसीड uh, है uh, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में uh, ऐसे किसी टैक्स की एक्सेप्ट ढोस uh, जो कि प्रोसीड रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोसीड आट्रीब्यूटेबल टू यूनियन टेरिटरी वो जो है फॉर्म मतलब कि कॉन्स्टिटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे पर वो असाइन किए जाएंगे स्टेट्स को विथ इन विच जो टैक्स लेवल है उस ईयर में और जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एमेंग दो स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विथ सच प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि फॉर्मुलेट किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर फिर Uh, हमारा है पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर फॉर्मुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करने के लिए कि कब uh, जो है सेल या परचेज uh, या मतलब कि गुड्स का या कंसाइनमेंट uh, जो है गुड्स uh, का वो टेक प्लेस करे किसी भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के कोर्स में ओके ऐसे ट्रांजेक्शन्स में देन हमारा है आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए Uh, uh, जो ऑफ uh, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें है लेवे एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड टैक्स सर्विस टैक्स सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ये आर्टिकल जो है हमारे वन हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन जिसका इफेक्ट सिक्सटीन नाइन टू थाउजेंड सिक्सटीन से है उसके द्वारा एक्स uh, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो कि सप्लाई क्या कहते हैं ऑन सप्लाइज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो हैं वो लिवी किए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ऐसे जो टैक्स हैं वो uh, जो हैं वो अपोर्शनड uh, होंगे बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऐसे मैनर में जैसा कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर प्रोवाइड करे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल और इसमें एक्सप्लेनेशन है कि आ, इस आ, क्या कहते हैं इस क्लॉज के पर्पस के लिए जो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है या दोनों जो कि इन इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो न, जो है वो डीम करेंगे टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ इन इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स तो ये जो न, आ, इस पर्पज़ के लिए जो मतलब जो इस क्लॉज के लिए इस क्लॉज के पर्पज़ के लिए ये जो न, Uh, हम लोगों का गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट है इंडियन uh, टेरिटरी में उसको इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के uh, बराबर माना जाएगा देन द अमाउंट अपोशन टू स्टेट अंडर क्लॉज वन शेल नेट शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो जो अमाउंट uh, अपोशंड है स्टेट के लिए क्लास uh, वन के अंतर्गत क्योंकि क्लास वन में हमने देखा कि जो टैक्स uh, होंगे ऐसे व, व, वो यूनियन और स्टेट के बीच में अपोशण होंगे तो वही जो स्टेट uh, का पार्ट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं फॉर्म करेगा जहाँ पर अमाउंट कलेक्ट की गई है एस टैक्स जो कि लिवे किया गया है अंडर क्लास वन वो और वो यूज़ किया गया है पेमेंट के लिए किसी टैक्स जो uh, के, uh, जो कि लिवे किया गया था स्टेट के द्वारा अंडर आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए वो अमाउंट जो है वो कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया का फॉर्म पार्ट नहीं हालांकि पार्ट फॉर्म नहीं करेगी फिर जहाँ पर अमाउंट कलेक्ट किया गया है एज टैक्स जो कि लिवे किया गया है स्टेट के द्वारा अंडर आर्टिकल टू ए और वो यूज़ किया गया है पेमेंट के लिए टैक्स जो कि लिवे किया गया है अंडर क्लॉज वन तो ऐसे अमाउंट भी जो हैं वो कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ द स्टेट का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे देन पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर फार्मूलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल्स और डिटामाइन डितर्म, करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई और कब जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या दोनों टेक प्लेस कर सकते हैं इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स देन आर्टिकल 270 में है टैक्सेस लिवेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड दर स्टेट्स तो जितने भी टैक्स और ड्यूटीज़ हैं जो कि रिफ़र किए गए हैं यूनियन लिस्ट में एक्सेप्ट जो ड्यूटीज और टैक्सेस रिफ़र की गई हैं आर्टिकल 268, 269 और 269 ए में तो वो जो है वो आ, और जो सरचार्ज है टैक्सेस का और ड्यूटीज का जो रिफ़र किया गया आर्टिकल 271 में और कोई भी सेस जो कि लेवे किया जाए किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किसी भी लॉ के अंदर जो कि पार्लियामेंट बनाए जो कि लेवे किया जाए और कलेक्ट किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूट हो वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन और स्टेट के बीच में ऐसे मैनर में जैसा कि क्लास टू में प्रोवाइड किया जाए फिर जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा यूनियन के द्वारा अंडर क्लास वन ऑफ आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए वो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा यूनियन और स्टेट के द्वारा ऐसे मैनर में जैसा कि क्लास टू में प्रोवाइड किया जाए ये भी जो है अमेंडमेंट के थ्रू ये आर्टिकल भी ऐड हुआ था देन जो टैक्स लिवी किए जाएँ और कलेक्ट किए जाएँ यूनियन के द्वारा अंडर क्लास टू ऑफ आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स एंड आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए जिस जो कि यूज़ किया जाए पेमेंट के लिए ऐसे टैक्स के जो कि लिवे किया गया हो यूनियन के द्वारा अंडर क्लास वन ऑफ़ आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए और जो अमाउंट है अपोशनड है यूनियन के लिए अंडर क्लास वन ऑफ आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए वो भी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन और स्टेट के बीच में ऐसे मैदान में जो जैसा कि आर्टिकल टू सॉरी क्लास टू में प्रोवाइड किया गया हो ये वाला क्लास भी जो है वो 2006 थाउजेंड सिक्स के सिक्सटीन के अमेंडमेंट में के थ्रू इंसर्ट किया गया था फिर अब हमारे तीनों क्लास में हमने बात की कि, कि क्लास टू में जिस तरह से डिफाइंड हो या फिर जिस मैदान में प्रोवाइड किया जाए तो क्लास टू ये कहता है कि ऐसे परसेंटेज जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया हो नेट प्रोसीड का किसी भी टैक्स या ड्यूटी के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो फॉर्म नहीं करेंगे पार्ट कॉन्सोलट फंड ऑफ इंडिया के पर ये जो है वो असाइन किए जाएंगे स्टेट्स को विद इन विच जो न, जो टैक्स है या ड्यूटी है वो लेवल है उस ईयर में और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग दो स्टेट्स और ऐसे मैनर में टाइम टू टाइम जैसा कि क्लास uh, थ्री के अकॉर्डिंग uh, प्रिस्क्राइब किया जाए मैनर उस मैनर में ओके okay? तो इस आर्टिकल में प्रिस्क्राइब का मतलब है अंटिला फाइनेंश फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाए प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा और जब फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हो जाती है कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो प्रिस्क्राइब किया जाए प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा जो फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उनको कंसीडर करते हुए कि कैसा मैनर प्रिस्क्राइब करना है दैन आर्टिकल टू सेवेंटी वन में है सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस फॉर पर्पज़ ऑफ़ द यूनियन तो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन और टू सेवेंटी में उनको दरकिनार किए बिना पार्लियामेंट जो है वो किसी भी टाइम पर इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी ड्यूटी या टैक्स को जो कि रिफ़र किए गए हैं उन आर्टिकल्स में एक्सेप्ट जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स है अंडर आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए एक सरचार्ज के थ्रू ताकि आ, मतलब कि फॉर पर्पज़ ऑफ़ यूनियन और जो होल प्रोसीड है ऐसे सरचार्ज की वो फॉर्म करेगी कॉन्सोडेट फंड ऑफ इंडिया का पार्ट फिर आर्टिकल 272 में है टैक्सेस विच आर लिवेड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इसको जो है रिपील कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एटीन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा फिर आर्टिकल 273 में है ग्रा, uh, ग्रांट्स इन लीव ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर Uh, uh, जो है देयर शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन ईच ईयर एज ग्रांड सीनेड रिवेन्यू के लिए फॉर द स्टेट्स ऑफ आशाम बिहार उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इन ल्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ द नेट प्रोसिड्स इन ईच ईयर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स उन स्टेट्स के लिए और uh, uh, जो sums हैं जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए उत, उतने फिर जो सम्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो कंटिन्यू करेंगे मतलब कि उतना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज करना कंटिन्यू करेगा सो लॉन्ग लॉन्गेस्ट कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी जूट पे या जूट प्रोडक्ट्स पे कंटी कंटिन्यू uh, करती है जो कि लेवी की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और अनटिल टेन इयर्स कमेंस इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट को कम्प्लीट हो जाए जो भी चीज़ पहले हो इस आर्टिकल में जो एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइबड है उसकी मीनिंग सेम है जैसा कि हमने अभी आर्टिकल टू सेवेंटी थ्री में टू uh, सेवेंटी में देखा देन टू सेवेंटी फोर प्रीरियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल्स एफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड तो कोई भी, भी बिल या अमेंडमेंट जिसमें uh, जो इम्पोज करती है वेरी करती है कोई भी टैक्स या ड्यूटी जिसमें स्टेट इंटरेस्टेड हैं या जो वेरी करती है uh, मीनिंग एक्सप्रेशन मतलब कि इस एग्रीकल्चरल इनकम के एक्सप्रेशन का जो कि डिफाइन किया गया है फॉर परप ऑफ ऑफ इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू इंडियन इनकम टैक्स या जो अफेक्ट करती है प्रिंसिपल्स जिसपे uh, जो कि अंड, uh, जो फॉरगोइंग प्रिंसिपल्स हमने अभी देखे वो मनी का फॉर्म पार्ट मतलब कि पार्ट फॉर्म कर रहे हैं या uh, जो प्रोविजन्स uh, के अंतर्गत मनी है Uh, और मे भी डिस्ट्रीब्यूटेबल होंगे स्टेट्स को और या फिर जो इम्पोज़ करती है ऐसा कोई सरचार्ज जो कि यूनियन के पर्पस के लिए हो जो जैसा कि हम लोगों ने भी आर्टिकल 270 में देखा जो कि मैंशनड है हमारे फॉरगोइंग प्रिंसिपल में इस चैप्टर के वो जो है इंट्रोड्यूस uh, नहीं किया जाएगा या मूव नहीं किया जाएगा किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के अनलेस जो प्रेसिडेंट हैं वो उसे रिकमेंड करें ओके okay? फिर इस आर्टिकल में जो एक्सप्रेशन टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड का मतलब है ऐसा टैक्स या ड्यूटी जिसका होल या पार्ट नेट प्रोसीड का जो है वो असाइन किया गया हो किसी स्टेट को या फिर ऐसी टैक्स या ड्यूटी जिसके रिफ़रेंस के आ, से जो नेट प्रोसीड्स हैं उसका जो सम है आ, वो फॉर द मतलब कि टाइम बिंग पेबल हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट को ओके देन टू सेवेंटी फ़ाइव आर्टिकल में है ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स तो ऐसे uh, सम जो जैसा कि पार्लियामेंट लॉ बना कर प्रोवाइड करे वो चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हर साल ग्रांट्स इन एड के नाम पे रिवेन्यू से ऐसे uh, स्टेट्स के जैसे कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करे कि उनको नीड है असिस्टेंस की और डिफरेंट सम्स जैसा कि फ़िक्स करे डिफरेंट स्टेट्स के लिए प्रोवाइडेड कि जो आ, ऐसा सम जो है वो पे करना कंसोलिडेट फंड फंड से एस ग्रांट्स इन एड रिवेन्यू से स्टेट आ, स्टेट के जो है ज़रूरी है जैसा कि कैपिटल और रिक्वायरिंग सम्स हों जो कि नेसेसरी हैं इनेबल करने के लिए स्टेट को ताकि वो अपने जो कॉस्ट हैं स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो भी डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स उनको चला रहे हैं उनके कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए मीट करने के लिए जैसा कि अंडरटेक किया जाए स्टेट के द्वारा विथ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि ताकि वो वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है प्रमोट कर सकें उस स्टेट में या रेस कर सकें लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो शेड्यूल्ड एरिया का जैसा कि uh, क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट के लिए है प्रोवाइडेड कि uh, जो देयर शैल बी पेड आउट ऑफ़ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ऑफ़ द रिवेन्यूज़ ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम जो कैपिटल uh, और जो कि रिक्वायर होंगे इक्वेलेंट uh, होंगे जो एवरेज एसेस ऑफ एक्सपेंडिचर है ओवर द रिवेन्यूज ड्यूरिंग द टू ईयर्स इमिडिएटली प्रोसीडिंग टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया स्पेसिफाइड इन पार्ट वन ऑफ द टेबल जो कि पैराग्राफ ट्वेंटी में दी हुई है सिक्स शेड्यूल के फिर uh, इसी में है कि जो कॉस्ट हैं ऐसे स्कीम ऑफ डेवलपमेंट के जो कि अंडरटेक किया जाए स्टेट के द्वारा विथ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पर्पज ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एरियाज टू दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द स्टेट ओके फिर है ऑन एंड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनस स्टेट अंडर आर्टिकल टू फोर्टी फोर ए तो ऐसा कोई भी सम जो पेबल है अंडर क्लास ए ऑफ द सेकेंड प्रोविशो ऑफ क्लास वन वो जो है अगर ऑटोनस स्टेट कंप्राइज करता है सारे ट्राइबल एरिया जो कि रिफ़र किए गए हैं तो उन्हें पे किया जाएगा ऑटोनोमस स्टेट को और अगर ऑटोनॉमस स्टेट कंप्राइज करता है ओनली खुद मतलब कि ओनली सम पार्ट ऑफ द एरियाज ट्राइबल एरियाज तो उन्हें अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन स्टेट ऑफ आसाम और ऑटोनोमस स्टेट जैसा कि प्रेसिडेंट लॉ बनाकर स्पेसिफाई करें फिर देयर शैल बी पेड आउट ऑफ द कॉन्सोलेटरी फंड ऑफ द इंडिया एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रिवेन्यू ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट सम्स कैपिटल एंड रिक्वेरिंग टू द कॉस्ट ऑफ द सच स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एज मे बी अंडरटेकन बाय द ऑटोमस स्टेट विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट दैट ऑफ द टू दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम यही चीज़ें हम लोगों ने अब तक तीन बार देख चुकी हैं कि उनको ताकि जित आ, पूरे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है पूरे स्टेट ऑफ आसाम का उसी तरह जो ट्राइबल एरिया या जो बैकवर्ड एरिया रह गया है वहाँ का भी हो सके उसके लिए भी जो फंड चाहिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो लेंगे फिर अनटिल जो प्रोविज़न बनते हैं क्या कहते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं क्लॉज वन के अंदर तो जो पावर कन्फर की गई है पार्लियामेंट को इस क्लॉज के अंदर कि वो एक्सरसाइज वो जो है प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेंगे बाय ऑर्डर और, और, और जो है वो ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि प्रेसिडेंट बनाएंगे इस क्लॉज के लिए उन उसका सेम इफ़ेक्ट होगा जैसा कि एक पार्लियामेंट कोई प्रोविजन बनाता उसका होता प्रोवाइडेड कि जब एक फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो कोई भी ऑर्डर जो कि इस क्लॉज के अंदर बनाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सेप्ट ऑफ्टर वो सिर्फ तभी ऑर्डर क्या कहते हैं बनेगा जब वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ले लेंगे और उसे कंसीडर करेंगे आर्टिकल 276 में है टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस ट्रेडर्स कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स तो जो भी चीज़ें आर्टिकल टू में दी हुई हैं उसको दरकिनार किए बिना को, आ, कोई भी लॉ जो है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का जो रिलेट करता है टैक्स के लिए ऐसे टैक्सेस का जो कि बेनिफिट ऑफ स्टेट के लिए हैं या फिर म्यूनसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लोकल बोर्ड या और भी किसी लोकल अथॉरिटी के बेनिफिट के लिए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन ट्रेडर्स कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट वो जो है इनवैलिड क्या कहते हैं नहीं होंगे सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो रिलेट करते हैं टैक्स ऑन इनकम से जो टोटल अमाउंट पेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन टू द स्टेट और किसी भी म्यूनसिपलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लोकल बोर्ड या और भी uh, कोई लोकल अथॉरिटी के स्टेट के बाय वे ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेडर्स ट्रेड्स कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट वो uh, जो है वो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर इनाम से एक्सीड नहीं होंगी देन हमारा द पावर ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक लॉस Uh, जैसा कि हमारे में पहले हम लोगों ने देखा है विथ रिस्पेक्ट टू टू टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड्स कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स वो जो है कंस्ट्रक्ट uh, नहीं होंगे एक लिमिटिंग एज लिमिटिंग किसी भी वे में जो मतलब कि जो पार्लियामेंट की पावर है उसको लिमिट करते हुए क्योंकि वो आ, इन रिस्पेक्ट पे अभी भी लॉज बनाने के लिए इक्वली उनके पास पावर है कि वो आ, जो टैक्स ऑन इनकम है जो एक्वायर कर रहे हैं अराउज़ हो रहे हैं प्रोफेशन ट्रेड्स कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट से उनके ऊपर भी टैक्स लगा सकती है उनके ऊपर भी लॉज अभी भी बना सकती है फिर आर्टिकल 277 में है सेविंग्स तो कोई भी टैक्स ड्यूटी सेस या फीस जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के जस्ट पहले तक लॉफुली लीव की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट के द्वारा या किसी भी म्यूनसिपैलिटी के द्वारा या किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो स्टेट uh, के लिए म्यूनसिपैलिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए और भी जो भी लोकल एरिया के लिए लोकल uh, एरिया के लिए वो नॉट विद स्टैंडिंग कि वो जो टैक्स ड्यूटी uh, या सेस या फीस जो मैंशन किए गए थे वो यूनियन लिस्ट में थे वो अभी भी जो हैं जब तक पार्लियामेंट लॉ बनाकर कोई कॉन्ट्रेरी प्रोविजन नहीं लगाते हैं वो अप्लाई करेंगे सेम पर्पज़ के लिए और सेम पर्पज़ के लिए ही लिए जाएंगे लेवी किए जाएंगे फिर आर्टिकल 278 में है एग्रीमेंट विद स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विथ रिगार्ड टू सर्टिन फाइनेंशियल मैटर्स जिसको रिपील कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के द्वारा फिर है आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसिट्स एक्सेट्रा तो जो हम लोगों ने अभी आ, प्रोविजन्स पढ़े अभी तक इस चैप्टर के तो उसमें नेट प्रोसीड का मतलब होगा uh, मतलब कि uh, का मतलब है इन रिलेशन टू एनी टैक्स और ड्यूटी जो प्रोसीड लगता है या रिड्यूस uh, जो कि रिड्यूस किया जाता है बाय कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और फॉर पर्पस ऑफ दो प्रोविजंस जो नेट प्रोसीड proceed है प्रोसीड्स हैं uh, किसी भी टैक्स या ड्यूटी के या uh, कोई भी पार्ट uh, जो है उस टैक्स या ड्यूटी के जो इन या आट्रीब्यूटेबल है किसी भी एरिया के लिए वो जो है असरटेन किया जाएगा और सर्टिफाई किया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जिसका सर्टिफिकेट ही फाइनल होगा uh, और सब्जेक्ट uh, जो अभी हमने uh, बोला मतलब कि अभी क्लास वन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा uh, और जो भी अदर एक्सप्रेशंस हैं जो अदर एक्सप्रेस प्रोविजन्स इस चैप्टर के कि uh, जो लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट उनके ऊपर और कोई भी ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट का उन दोनों से जैसा भी केस होगा जहाँ पर आ, इस पार्ट के अंडर जो प्रोसीड हैं किसी भी ड्यूटी के क्या कहते हैं और टैक्स के वो या तो आ, मतलब कि या तो हैं या फिर मे बी असाइन किए जा सकते किसी स्टेट को वो आ, आ, ऐसे मैनर में जिसमें जो प्रोसीड हैं वो कैलकुलेट की जाएंगी फॉर द टाइम फ्राम और एक्ट विच जो और जो मैनर uh, जैसा कि जिसमें उस पेमेंट को होना है जो कि बनना है या फिर और जो एडजस्टमेंट करने हैं बिटवीन फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर के तक के लिए और फॉर अदर uh, मतलब जितने भी अदर इंसिडेंटल और एंसिलरी मैटर हैं उनके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा या प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे देन हमारा आर्टिकल टू सेवेंटी एट ए सॉरी टू सेवेंटी नाइन ए जिसमें हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वन हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड जिसका इफेक्ट 16 नाइन टू थाउजेंड सिक्सटीन से है उसके द्वारा इंसर्ट किया गया था तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो वो इन सिक्सटी डेज जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का वन हंड्रेड फर्स्ट एक्ट का कमेंसमेंट होता है उसके बाद आ, उन्हें एक ऑर्डर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट करनी है काउंसिल जिसको जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल कहा जाएगा फिर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है वो कंसिस्ट करेगी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंस जो कि मेंबर होंगे फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट जो कि भी मेम्बर्स होंगे देन जो मेंबर्स हैं गुड्स और गुड्स जो ये तो हमारा होगा कि uh, कौन कौन मेंबर कंसिस्ट करेंगे फिर है जो मेंबर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के जो कि रिफ़र किया गया है सब क्लास सी में क्लास टू के यानि कि जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट है वो एज़ सोन एज मे बी चूज़ किए जाएंगे uh, उन्हीं लोगों में से मतलब कि उन्हीं में से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा उस काउंसिल का ऐसे पीरियड के लिए जैसा उन लोग डिसाइड करें जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है वो रिकमेंडेशन बनाएंगे देंगे यूनियन और स्टेट को टैक्सेस सेस सर चार्जेस जो कि लिव किए जाएँ यूनियन स्टेट या लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो कि सब सम किए जाएंगे गुड्स और सर्विसेज टैक्स में गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो कि सब्जेक्ट होंगी या एग्जाम किए जाएंगे गुड्स और सर्विसेज टैक्स से Uh, फिर मॉडल गुड्स और सर्विसेज टैक्स लॉस का वे प्रिंसिपल्स जिसमें जिसके थ्रू लेवी किए जाएं अप्रोप्रिएशन हो uh, uh, या गुड्स और सर्विसेज टैक्स का जो कि लेवी किए गए हैं सप्लाईज में uh, उस कोर्स में जो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के uh, अंतर्गत आता है अंडर आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए और जो प्रिंसिपल जो गवर्न करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई फिर थ्रेस होल्ड लिमिट या टर्नओवर की जो कि जिसके नीचे जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स हैं जो कि वो एग्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं मतलब जो गुड्स और सर्विसेज़ हैं वो एग्जेप्ट कर सकती हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स से फिर रेट्स जिसमें इंक्लूड होगा फ्लो रेट विथ जो बैंड्स हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स के फिर ऐसा कोई भी स्पेशल रेट या रेट्स जो कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ताकि जो एडिशनल रिसोर्सेस हैं उनको रेस किया जा सके जब नेचुरल कोई भी कलेमिटी या डिजास्टर होता है तो फिर ऐसे स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू कश्मीर मणिपुर मेघालय मिज़ोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए फिर और भी कोई भी मैटर जो कि गुड्स सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है जैसा कि काउंसिल डिसाइड करके उन्हें रिकमेंड करे फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है वो रिकमेंड करेगी ऐसे डेट पर मतलब कि ऐसे डेट रिकमेंड करेगी जिस पे गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है वो लिवी किए जाएंगे पेट्रोलियम क्रूड पे और हाई स्पीड डीजल पे मोटर स्पिरिट पे जिसको हम पेट्रोल कहते हैं और नेचुरल गैस पे और एविटेशन टर्बाइन फ्यूल पे फिर जब ऐसे फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे होंगे जैसा कि कंफर्म किया गया इस आर्टिकल में तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है उन्हें तब गाइड किया जाएगा आ, नीड और आ, क्या कहते हैं जो हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर है गुड्स और सर्विसेज टैक्स का उसके थ्रू और जो डेवलपमेंट हार्मोनाइज्ड हारमोनाइज नेशनल मार्केट गुड्स और सर्विसेज टैक्स के लिए उनके लिए फिर जो हाफ मेंबर्स होंगे टोटल मेंबर्स में से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक कोरम अपनी मीटिंग पे मीटिंग्स uh, पे फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है वो डिटरमाइन करेगी प्रोसीजर uh, अपने फंक्शंस uh, के परफॉर्मेंस के लिए हर डिसीजन जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा uh, एक मीटिंग पे उसे कम से कम थ्री फोर्थ की मेजॉरिटी के साथ uh, जो है जो प्रेजेंट मेंबर हैं वोट कर रहे हैं वो वो वेटेड वोट्स के थ्रू मतलब कि थ्री फोर्थ वेटेड वोट्स होने चाहिए तभी वो मेजोरिटी कहलाएगी और एस आ, 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 जो नीचे प्रिंसिपल्स मैं बताने वाली हूँ उन प्रिंसिपल्स के थ्रू आ, जो है गवन किए जाएंगे हर डिसीजन को जिसमें जो वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसकी सबसे ज़्यादा मतलब कि वेटेज होगी जिसको वन थर्ड माना जाएगा टोटल का, वोट कास्ट से फिर जो वोट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कि उनका जो है टुगेदर मिलाकर जो वेटेज है वो टू थर्ड होगा जिसको टोटल वोट कास्ट से मिलाया जाएगा उस मीटिंग पे फिर कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की वो इनवैलिड सिर्फ इस रीज़न से नहीं होगी कि वैकेंसी या डिफेक्ट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल के कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट में किसी भी पर्सन के एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल या जो कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है काउंसिल में जो कि अफेक्ट नहीं कर रही है मेरिट ऑफ केस को ओके फिर है हमारा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश करेगी एक मैकेनिज़्म Uh, ताकि वो एजुडिकेट कर सके किसी भी डिस्प्यूट को बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड और जो गवर्नमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स मतलब कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड पे और बाकी स्टेट्स एक साइड पे हैं तो उनके बीच का डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ स्टेट्स हैं और बाकी स्टेट्स अलग हैं उनके बीच का डिस्प्यूट और दो अलग अलग जो दो या दो से अधिक अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच का डिस्प्यूट फिर जो कि अराइज़ होगा उनके रिकमेंडेशन जो काउंसिल ने दिया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के कारण ही के कारण ही फिर आर्टिकल टू एटीम है फाइनेंस कमीशन जो प्रेसिडेंट है वो विद इन टू ईयर्स फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और अ, उसके बाद जब फिफ्थ ईयर कम्पली हर पाँचवें साल पर जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो जो भी पहले होता है जो प्रेसिडेंट है वो कंसीडर करेंगे जब नेसेसरी तो वो ऑर्डर uh, बना के कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन जो कि कंसिस्ट करेगी एक चेयरपर्सन और चार अदर मेंबर्स जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर कर डिटामाइन कर सकती है क्वालिफिकेशन जो कि क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हैं रिक्यूसाइड हैं अपॉइंटमेंट के लिए एज मेंबर्स ऑफ द कमीशन और मैनर जिसमें उन लोगों को सेलेक्ट किया जाए देन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन ताकि वो रिकमेंडेशन दें प्रेसिडेंट को एज टू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स जो कि uh, या तो बनाए गए या मे बी डिवाइड किए जा सकते हैं उनके बीच में अंडर दिस चैप्टर और एलोकेशन uh, स्टेट्स के बीच में uh, उनके खुद के शेयर्स का मतलब ओनली स्टेट्स के बीच में ही फिर जो प्रिंसिपल जिन्स uh, uh, के थ्रू गवर्न होंगे जो गवर्न करेंगे ग्रांट्स इन एड रिवेन्यू का स्टेट्स के आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फिर जो मेजर्स जो कि ज़रूरी हैं uh, ताकि ऑगमेंट uh, हो सके कॉन्सल्टेड फंड ऑफ स्टेट का सप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्स पंचायत के स्टेट्स के अंतर्गत जितने भी आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन जो कि फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट थे फिर मेजर्स जो कि इंपॉर्टेंट है ऑग्यूमेंट के लिए कॉन्सोटेट फंड ऑफ स्टेट के ताकि सप्लीमेंट कर सके वो रिसोर्स म्यूनसिपैलिटी को उस स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन जो कि स्टेट कमीशन ऑफ स्टेट के द्वारा सॉरी फाइनेंस कमीशन ऑफ़ स्टेट के द्वारा बनाई जाए देन और भी कोई भी मैटर जो कि रिफ़र किया जाए कमीशन uh, को बाय द प्रेसिडेंट जो कि उनके हिसाब से uh, मतलब कि फाइनेंस कमीशन के हिसाब से इंटरेस्ट में साउंड फाइनेंस uh, के इंटरेस्ट में कमीशन जो विल रिटमैंड करेगी अपना प्रोसीजर और उनके पास ऐसे पावर्स होंगे कि वो अपने uh, जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं जैसा कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर कर करेगी उनके ऊपर फिर आर्टिकल 281 में ऑफ द फाइनेंस कमीशन तो जो प्रेसिडेंट हैं वो हर रिकमेंडेशन को जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा बनाई जाएगी इस प्रोविज़न के अंदर जो प्रोविजन मतलब इस प्रोविज़न मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उनके अंदर टुगेदर विथ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडर मेमोरेंडम कि ऐसा एक्शन क्यों लेना चाहिए वो जो है दो, जो हा, दोनों जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के उनके सामने ले किया जाएगा फिर मिसलिनियस फाइनेंशियल प्रोविजन हैं आर्टिकल टू में एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट आउट ऑफ इट्स रिवेन्यूज तो जो यूनियन या स्टेट हैं वो बना सकते हैं आ, मतलब कि ग्रांट्स पब्लिक पर्पस के लिए नॉट विध स्टैंडिंग की जो पर्पस है वो ऐसा नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट या फिर लेजिस्चर ऑफ स्टेट ने पहले से बोला हुआ ऐस द केस में भी जो तो उनके ऊपर वो लॉ बना सकते हैं देन आर्टिकल टू एटी थ्री में कस्टडी अ सेक्टर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंडस कंटिजेंसी फंड एंड मनीज़ क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट्स तो जो कस्टडी है कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया की और जो कंटिजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया है उन दोनों की और जो पेमेंट्स हैं मनीज़ की उन फंड्स में और जो विड्रॉल्स हैं उन मनीज़ का उन फ़ंडस से तो जो कस्टडी है और जो कस्टडी है पब्लिक मनीज़ की अदर दैन जो कि क्रेडिट किए गए हैं उन फंड से जो कि रिसीव की गई है या डायरेक्टली या फिर बिहाफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन बिहाफ तो आ, और, और जो उनके पेमेंट्स हैं वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में हुए हैं और जो विड्रॉल ऑफ मनी है उन अकाउंट से हुई है या और और भी अदर मैटर्स जो कि कनेक्टेड हैं या एनसीलरी हैं मैटर्स जो कि हमने अभी जितनी भी चीज़ें अभी बोली उनसे रिलेटेड है रेगुलेट हो रहे हैं लॉ के द्वारा पार्लियामेंट ने जो बनाया है उनके द्वारा और अनटिल uh, उस, उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं बनता है तो uh, जो कि प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे उनके द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे तो ये जितने भी मैटर्स हैं इनकी कस्टडी और आ, के ऊपर तो वो सब जो हैं या उनके विड्रोल के ऊपर इन सब के ऊपर जो प्रे पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा और जब तक ये पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता तब तक प्रेसिडेंट लॉर के, के थ्रू सिमिलरली स्टेट में जो कस्टडी है कंसल्टिव फ़ंड ऑफ स्टेट की कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट की पेमेंट मनीस की फंड्स में विड्रॉल उनका उन फंड्स से जो कस्टडी है पब्लिक मनीस की अदर देन जो कि क्रेडिट हो चुके हैं उन फंड से रिसीव किए गए हैं या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा या उनके बिहाफ पे उनकी पेमेंट जो है जो कि पब्लिक अकाउंट में स्टेट के हुई है या विड्रॉल हुआ है उन मनीस का उन अकाउंट से या और भी अदर मैटर जो कि कनेक्टेड हैं या एंसिलरी मैटर हैं इनमें से किसी से भी कनेक्टेड मैटर हैं तो वो जो है रेगुलेट किए जाएंगे लॉ के द्वारा जो कि लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बनाएगा और अनटिल लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाते हैं प्रोविजन बनाते हैं तब तक कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो अपने ऑर्डर के थ्रू रेगुलेट करेंगे उन रूल्स को फिर आर्टिकल 284 में है कस्टडी ऑफ स्वीटर्स डिपॉजिट्स एंड अदर मनीज़ रिसीव्ड बाय पब्लिक सर्वेंट्स एंड कोर्ट्स तो जितनी भी मनी रिसीव की गई है डिपॉजिट की गई हुई है किसी भी ऑफिसर जो कि एम्प्लॉयड है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ़ ए स्टेट जिसमें उनकी कैपेसिटी में अ, अ, आ, एस एच की अ, अदर देन रिवेन्यूज या पब्लिक मनीज जो रेस्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एज अ केस में भी और कोई भी कोड विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आ, न, 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 क्या कहते हैं क्रेडिट करती है किसी भी कॉज के लिए मैटर के लिए अकाउंट के लिए पर्सनस के लिए वो जो आ, है वो पे किए जाएंगे इन टू द अकाउंट ऑफ द इन टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट जैसा कि भी केस होगा फिर आर्टिकल टू एटी फाइव में एक्जम्पन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन और फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन तो जो प्रॉपर्टी है यूनियन की वो अनलेस uh, जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाकर कुछ ऑनट्रेरी प्रोवाइड करे अदरवाइज प्रोवाइड करे करें फिर वो जो है एग्जाम्प्ट होंगे हर टैक्स से जो कि इम्पोज़ किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट के द्वारा या किसी uh, गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जो कि स्टेट के अंदर आती है फिर जो भी चीज़ें अभी क्लास वन में दी गई हैं Uh, उसको दरकिनार किए बिना अन अन्टिल पार्लियामेंट जो लॉ बनाकर अदरवाइज कुछ प्रोवाइड करते हैं वो प्रिवेंट करेगी किसी भी अथॉरिटी को एक स्टेट में लिवे करने के लिए कोई भी टैक्स किसी भी प्रॉपर्टी में जो यूनियन की है टू विच जो प्रॉपर्टी है Uh, वो इमिडियटली कम uh, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले लाइबल थी या ट्रीट की जा रही थी एज लाइबल सो लॉन्गेस कि उसमें टैक्स पहले से लिया जा रहा था तो वो जो टैक्स है वो ले करना कंटिन्यू करेगा वो टैक्स जो है वो कंटिन्यू uh, uh, करेगा टू बी लिव्ड इन दैट स्टेट दैन आर्टिकल टू सिक्सटी टू एट्टी सिक्स में है रेस्ट्रिक्शंस एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स तो कोई भी लॉ स्टेट का वो इम्पोज करने या अथोराइज करने के लिए इम्पोजिशन के एक टैक्स जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे है दोनों पे है वो सप्लाई टैक्स प्लेस नहीं करेगी आउटसाइड द स्टेट क्योंकि वो जिस स्टेट में है सिर्फ वहीं तक के लिए वो कर सकते हैं मतलब कि वहीं तक उनका जोरिस्डिक्शन है कि वो उस पर इम्पोज कर सकते हैं और इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और जब वो अपने स्टेट के बाहर ही नहीं बना सकते तो पूरे इंडिया के बाहर तो नहीं बना सकते फिर फिर चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो दोनों केसेस पे फिर जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाकर कर कर सकती है प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करने के लिए कि कब सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों आ, किसी भी वे में जो मेंशन की गई क्लॉज वन में वो होंगे इसमें भी जो वर्ड्स हैं वो चेंज किए गए थे आर्टिकल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के वन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और इसमें जो क्लास थ्री था उसे भी ओ, आ, ओमिट कर दिया गया था सिमिलरली वन हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही देन आर्टिकल टू एट्टी सेवन में है एक्सम्पन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो भी मतलब सेफ जो भी आ, पार्लियामेंट लॉ बनाकर अदरवाइज़ कुछ अकोट्रैली प्रोवाइड करे कोई भी लॉ स्टेट का इम्पोज नहीं कर सकता ऑथोराइज़ नहीं कर सकते इम्पोजिशन के लिए एक टैक्स जो कि कंजप्शन या सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि भले ही गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हो या किसी भी पर्सन के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हो जो कि कंज्यूम की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या बेची जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंजप्शन के लिए उस गवर्नमेंट के द्वारा या कंज्यूम की जाती है किसी भी कंस्ट्रक्शन में मेंटेनेंस में ऑपरेशन में रेलवे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या रेलवे कंपनी के और जो कि ऑपरेट हो रही है या सोल्ड मतलब कि बेची जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उस कंपनी को फॉर कंसन या कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन के लिए मेंटेनेंस के लिए तो उनके ऊपर कोई भी टैक्स टे, जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती और ऐसा कोई भी रॉ जो इम्पोज़ करता है ऑथोराइज़ करता है इम्पोजिशन ऑफ किसी भी टैक्स का आ, सेल ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो सिक्योर करेगा आ, जो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचा जा रहा है उतना कंसप्शन के लिए उस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जिस प्राइस पे बेची जा रही है और या तो उन कंपनी को बेची जा रही है तो उनको उन उस कम कंसप्शन के लिए कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस या ऑपरेशन के लिए वो जो है वो हमेशा आ, कम रहेगी मतलब जो अमाउंट ऑफ टैक्स है दैन द प्राइस जो कि अदर कंज्यूमर्स जो सब्सटेंशियल क्वान्टिटी में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उनके लिए होती है दैन आर्टिकल टू एटी एट में एक्सम्पन फ्राम टैक्सेशन बाय स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेज तो जो भी चीज़ें प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर के थ्रू अदरवाइज प्रोवाइड करें उसको अगर करते हैं तो कॉन्ट्रेडी uh, वाला तो वो बहतर लगे उसको सेव किया जाए उसके अलावा कोई भी लॉ स्टेट का जो कि इमिडिएटली फोर्स में है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो इम्पोज नहीं कर सकता या ऑथराइज नहीं कर सकता इम्पोज करने के लिए एक टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर जनरेटेड कंज्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड या सोल्ट बाय एनी अथॉरिटी इस्टेबलिश्ड बाई एनी एग्जिस्टिंग लॉ और एनी लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया है मतलब कि बनाया गया है रेगुलेट करने के लिए या डेवलप करने के लिए किसी भी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली को एक्सप्लेनेशन uh, है कि जो एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ स्टेट इन इस क्लॉज में वो इंक्लूड करेगा एक लॉ स्टेट का जो पास किया गया हो या बनाया गया हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और उसे पहले कभी रिपील नहीं किया गया हो नॉट विडरस्टैंडिंग कि uh, वो जो है uh, या उसका कुछ पार्ट जो है वो ऑपरेशन uh, में नहीं है आईदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरिया फिर जो लेजिस्टर ऑफ अ स्टेट है वो लॉ बनाकर कर इम्पोज कर सकता है ऑथोराइज कर सकते हैं पोजिशन ऐसे किसी भी टैक्स का जो कि मैंशन हुए क्लॉज वन में पर ऐसा कोई भी लॉ जो है उसका इफेक्ट तब तक नहीं रहेगा अनलेस इसमें जो है आफ्टर uh, हैविंग मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं वो के सामने कंसिड्रेशन के लिए रिजर्व किया गया था और उनसे असेंट मिल चुकी हो और अगर ऐसा कोई भी लॉ प्रोवाइड करता है टैक्स फिक्सेशन के लिए रेट्स मतलब रे, रेट्स के फिक्सेशन के लिए और और भी किसी इंसिडेंट के लिए ऐसे टैक्स का बाय मीन्स ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स जो कि बनाए जाएं किसी भी लॉ के द्वारा किसी भी अथॉरिटी के द्वारा Uh, मतलब कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा अंडर लॉ और जो तो जो लॉ uh, है वो प्रोवाइड करेगा प्रीवियस कंसेंट प्रेसिडेंट की जो कि ऑप्टेन की जाएगी uh, ऐसे किसी भी रूल और ऑर्डर को बनाने के पहले ओके okay? उसको मेक करने के लिए फिर आर्टिकल 289 में एक्जेम्पन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन तो जो प्रॉपर्टी और इनकम है स्टेट की वो भी एक्जेप्ट की जाएगी यूनियन टैक्सेशन से जो भी चीज़ें क्लास वन में दी गई हैं वो प्रिवेंट नहीं करेंगी यूनियन को इम्पोज करने के लिए या याथराइज करने के लिए इंपोजिशन के या किसी भी टैक्स के ऐसे एक्सटेंट तक अगर कोई है जैसा कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर प्रोवाइड करें इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड जो कि कैरी किया जा रहा है या डायरेक्टली या ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो कनेक्टेड है उससे या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो यूज़ की जा रही है ऑक्यूपाई की गई है आ, उन ट्रेड या बिज़नेस के पर्पस के लिए और या कोई भी इनकम जो कि ऑकर कर रही है या एराइज कर रही है इन कनेक्शन विद जो भी चीज़ें क्लास टू में दी गई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी किसी भी ट्रेड और बिजनेस के लिए या और भी किसी भी क्लास ऑफ ट्रेड और ट्रेड और, और बिज़नेस के लिए जो कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर डिक्लेयर करे कि वो इंसिडेंटल है ऑर्डनरी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के अंतर टू दो आर्टिकल टू नाइन्टी में एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसिस एंड पेंशंस तो जहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं किसी भी कोर्ट के या कमीशन के या पेंशन के पेबल हैं टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन जो जिसने सर्व किया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्राउन ऑफ इंडिया को क्राउन को जो इंडिया में थी क्योंकि मतलब ब्रिटिश राज में अंडर अंडर द क्राउन इन इंडिया और सच कमेंसमेंट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट मतलब कि जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तब यूनियन या स्टेट के अफेयर्स के कनेक्शन में फर्स्ट फर्स्ट uh, वो जो है और वो जो है चार्ज किए जाएंगे कॉन्सोल्टेट फंड ऑफ इंडिया या कॉन्सोल्टेट फंड ऑफ स्टेट से तब अगर uh, uh, जो uh, ऐसे केस में जो uh, चार्ज है कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया से होगा जब वो कोर्ट या कमीशन सर्व कर रही है इन आ, किसी भी सेपरेट नीड्स के स्टेट को और आ, जो पर्सन है उसने सर्व किया है होली या पार्ट में इन कनेक्शन ऑफ अफेयर्स ऑफ ए स्टेट और अगर च, आ, क्या कहते हैं केस ऐसा है आ, मतलब कि तब चार्ज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ स्टेट से जब जो कोर्ट या कमीशन है सर्व कर रही है सेपरेट नीड्स ऑफ यूनियन के और अदर एन अदर के और जो पर्सन है उसने सर्व किया होली और इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन और अदर स्टेट्स इन अदर स्टेट्स फिर हमारा है कि वो जो है चार्ज किए जाएंगे और पे किए जाएंगे कंस्टिट फंड ऑफ द स्टेट या अगर केस ऐसा होता तो कंस्टिट फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अदर स्टेट से ऐसे कंट्रीब्यूशन में इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पेंशन एक्सपेंसेस और पेंशन जैसा कि एग्री किया जाए गा uh, और uh, जैसा कि डिफॉल्ट पे एग्रीमेंट के डिटरमाइन किया जाएगा आर्बिट्रेटर के द्वारा जो कि अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा फिर आर्टिकल टू ए में तो, uh, है एनुअल पेमेंट टू सर्टीन देवासोम फंड्स तो एक फिक्स सम है फोर्टी सिक्स लैख का फोर्टी सिक्स लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का जो कि चार्ज किया जाएगा और पे किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ केरला से हर साल ट्रेवनकोर देवासन फंड को uh, और एक फिक्स सम है थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का जो कि चार्ज किया जाएगा और पे किया जाएगा कंसोलिडेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु से हर साल देवा देवासन uh, फंड को जो कि इस्टेब्लिश हुई थी स्टेट में मेंटेनेंस के लिए हिंदू टेम्पल के और uh, जो है uh, uh, श्राइन टेरिटरी uh, में ट्रांसफर की गई है उस स्टेट को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1956 फिफ्टी सिक्स फ्राम दीट ऑफ ट्रेवें ट्रेवेंकर कोचिन देन आर्टिकल टू नाइन्टी वन में है प्रिवी परस्यू रूलर्स जो कि uh, रिपील कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन के द्वारा इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच